ओए पीछे हो जा पीछे हो जा अली बास। ओए आई ये काबू हो गई है। ध्यान से ध्यान से, ओए ध्यान से पीछे हो जा। ओए 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 अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका प्यारा मुदस्सिर हुसैन। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। सुबह सुबह का वक्त है और आज बहुत ही स्पेशल दिन है क्योंकि आप लोगों को पता है कि ईद उज़ुहा है और सब मुसलमानों को मेरी तरफ से ईद उज़ुहा बहुत बहुत मुबारक हो। और आज सब लोग कुर्बानी करेंगे, जो लोग कुर्बानी कर रहे हैं खुदा उनकी कुर्बानी अपनी बरगाह आली में मंजूर मकबूल फरमाए, और जो नहीं कर रहे खुदा उनको इतना साहिब इस्तेआज़ बनाए कि आने वाले साल में वो कुर्बानी अदा करें। अभी बस मैं रेडी होने लगा हूँ नमाज के लिए, फिर ईद की नमाज़ पढ़ के फिर आप लोगों को मिलेंगे। माशाल्लाह माशाल्लाह हमारा वेड़ा तो रेडी है कुर्बान होने के लिए। वेड़े तैयार हो? नहीं तैयार। हमारा वेड़ा सुबह सुबह रो रहा था कि मैंने कुर्बान नहीं होना यार। मस्जिद में इमाम साहब बुला रहे हैं तो इतनी ज्यादा बातें भी नहीं कर रहा, तो अभी ईद पढ़ने जा रहे हैं, ईद पढ़ के फिर आप लोगों को मैं मिलता हूँ। अभी अभी ईद पढ़ के आए हूँ, अभी हम कुर्बानी करने जाने लगे हैं। एक दफे चेंज करते हूँ कि ये कपड़े ख़राब हो जाएंगे, तो इस वजह से अभी कपड़े चेंज करके फिर कुर्बानी करने जाने लगे हैं। वहाँ जाके आपको अभी मैं मिलता हूँ। A few moments later. अभी हम डेरे पे पहुंच गए हैं, हम सामान वगैरह ले आए हैं, छुरियाँ वगैरह और बर्तन वगैरह जिसमें हमें गोश्त लेके जाना है। एक्चुअली हमारी कौ है और जिसमें हमारे हिस्से बनेंगे और जितना फिर हिस्से में गोश्त आएगा वो हम ले जाएंगे। और कौ भी मेरे अपने कज़न की है, ये डेरा वगैरह भी सब उनके ये सामने खड़े हैं। जाकिर भाई अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम भाई, ना क्या हाल है? खैरियत ठीक ठाक। ये सामने कौ रही, मैं आपको दिखाता हूँ यार, माशाल्लाह कितनी खूबसूरत है ये। ओए होए क्या हुआ? बस थोड़ा सा टाइम है इसके पास, कलर इसका कितना प्यारा है यार, आप देखिएगा ईसा प्यारी है ना कहो यार, बहुत प्यारी है। मेरे कपड़ों का कलर भी डार्क ब्राउन है और इसका भी ब्राउन कलर है। वाओ व्हाट कॉम्बिनेशन। हेलो कर दो, हाय शाबाश। लगाओ भले से हैं, हाथ लगाओ ना, हाथ लगाओ अब्दुल्ला, हाथ लगाओ आ जाओ अब्दुल्ला, हाथ लगाओ, कुछ नहीं कहती हाथ लगाओ ऐसे, कुछ नहीं कहती अब्दुल्ला। देखो कुछ कहा है उसने, मीसा तुम भी हाथ लगाओ इधर आओ, डर क्यों रहे हो? देखो कुछ भी नहीं कहती। वाह माशाल्लाह बहुत प्यारी गाओ है यार। अभी बस हम भाई के इंतजार कर रहे हैं, भाई ने कब तक आना? बस आ रहे हैं, रस्ते में आ रहे हैं यार। उन्होंने कहा थोड़ा जल्दी आ जाए, गर्मी बहुत ज्यादा बन रही है। देखो सूरज बिल्कुल सामने आ गया और गर्मी बहुत ज्यादा है। अभी उस्मान भी आ गया यार, मैं उसे लेने जा रहा हूँ। उस्मान किधर गए? उस्मान अस्सलाम वालेकुम। सुनाओ क्या हाल है? मुबारक हो ईद की। आ जाओ, हम सब बंदा जी बैठे थे, मुझे नहीं पता तुम भी आ रहे हो यार, मैंने सोचा शायद मामू आए। अच्छा तकीर बास मेरे कजन है, चाचू के बेटे, हाय कर दो साहब, पहली दफा ब्लॉग में आए, इसे तो आप जानते हैं। फिर उस्मान और ये रहा तुराब, ये मेरे कजन है, और ये शबीर पहले आपको मिला चुका पप्पू का बेटा, और बाकी ये सब बच्चे, ये सब मेरे भांजे। क्या हुआ अभी? बस इधर ही करेंगे। हाँ इधर ही करो, करते हैं ये पंखा है ऊपर और नीचे यहाँ पे छाँव पे करेंगे यार। बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी है तभी हम बाहर जाने लगे हैं वहाँ कौ के पास। कौ भी ले आते हैं, पानी वगैरह से पिलाने लगे हैं। पानी आए समर, क्या हाल है? समर भी मेरा कज़न है, यही पहली दफ़ा ब्लॉग में आया। समर पानी नहीं पिलाना कौ को पहले? अभी यहाँ कौ लेने जा रहे हैं यार, आ जाओ दो जवानों, आ जाओ। प्रीत भाई कौ लेके आ रहे हैं यार, मुझे इससे बड़ा डर लगता है। अभी पानी पिलाने लगे हैं ये, अभी प्रीत भाई पानी पिला रहे हैं कौ को। जाहिर सी बात है ज़िबा करने से पहले जानवरों को पानी वगैरह पिला लेना चाहिए। और बस अभी थोड़ा सा टाइम है इसके पास, गाइड आ रही है हमसे, ध्यान से वो उधर अंदर लेके जानी है ये। ओह ध्यान से यार, ये तो बड़ी खतरनाक है। ये भी मेरे कज़न हैं और भाई हैं, और वो भी सामने प्रीत भाई और शबाज भाई। अभी देखे क्या होता है यार। ओए पीछे हो जा पीछे हो जा अली बास। ओए आई मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था, भागने लगी थी ये। अल्लाह पाक है, अल्लाह पाक खैर करें। अरे ध्यान से बाकी सब जगह मेरे हो, इसे रस्सी वगैरह भी डाल लिए। सब देखो कैसे खड़े, अभी ये काबू हो गई है। ध्यान से ओए ध्यान से
पीछे हो जाओ। ओए 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 या अल्लाह अली बास पीछे हो जाओ। तुरा या अल्लाह खैर या अल्लाह खैर यार ये गिर ही नहीं रहा। ध्यान से ध्यान से स्कूल से तुरा क्या हुआ है। ओए गिर गए। ओए ध्यान से चले ध्यान से ध्यान शानी ध्यान से ओए ओए बड़ी मुश्किल से गिराई है ये। सारे बच्चे इधर दूर दूर भाग रहे हैं। जा साइड पे हो जाओ। जल्दी करो यार ये चरपाई पीछे करनी है ध्यान से। वो उठा के तराब ले आना गाय को इधर। अरे गाय को उठा के इधर ले आना। एक दफा तू भागने लगा था यार बड़ा मजा आया। यहाँ से मेरे हाथ में लगा दें। ये हम सारे देखते में रखी जा रहे हैं। ये सामने कलेजी पड़ी है वो तराब लोग कर रहे हैं छोटे छोटे पीस। और यहाँ पे मैं और तकीर। हाँ उस्मान क्या हुआ है थक गया उस्मान उतारे जा रहे हैं सारे ये गोश्त और हम छोटे छोटे पीसेस बनाए जा रहे हैं। बस एक डेढ़ घंटे में हम फ्री हो जाना है इंशाल्लाह। धूप का एहसास नहीं है। मज़े की बात यह है कि हम इधर बरामदे के नीचे बैठे हैं सामने एक पंखा लगा हुआ है ये पंखा लगा हुआ है और गर्मी लग नहीं रही क्यों। और थोड़ी बिरयानी पापड़ बिरयानी आज बनाना ना यही गोश्त डाल के। अच्छा बात सुनो तुम्हें किस चीज़ की कमी महसूस हो रही है। हाँ किस चीज़ की। बोतल की पहले चाय की कह रहे थे और आप बोतल की। और फ्रीज को प्यास लग गई। चाय अगर तूने पीनी है ना वो सामने भैंस से खड़ी है ठीक है उनके दूध निकाल के ना चाय बना लो। कुछ भी नहीं होता यार चाय कमाल की चीज है। चाय यार ये बंदा जो चाय पीता है मैं आपको बता दूं कानों पर हाथ लगाए यकीन जाने हर आधे घंटे बाद एक कप। ये सारा कुछ मैंने यकीन ने रेडी किया है। वेरी गुड किसाई पकड़ो जल्दी करो यार बस थोड़ा सा रहेगा। तेरी बार कितना टाइम लगेगा। घंटे का और लगेगा बस इतना ही है। घंटे का और लगेगा। ये देखें मीठे चावल आए हैं यार। मीठे चावल हम खा रहे हैं लग रहा है स्पून से खाओ यार। क्या बना क्या विदकीर एंड हुए बड़े। खैर बस अब घर जाके खाने ही है सारा कुछ। भूख लगी हुई सब थक के बैठ गए हैं अभी। तकीर और मैं बस काम कर रहे हैं। ये आप देख सकते हैं ये सारी चांपे वगैरह भाई बना रहे हैं। और ये सामने सारा गोश्त पड़े है और ये भी सारा गोश्त पड़े है और ये सारी चांपे वगैरह। माशाल्लाह बहुत ज़्यादा गोश्त निकले। A few moments later ये गोश्त रेडी हो गया। अभी ये मिक्स कर रहे हैं और इसके भी हिस्से बनेंगे ताकि सबको बराबर हिस्से आए और किसी के साथ कोई ज्यादती ना हो। सात हिस्से बन चुके हैं और अभी बस हम घर गोश्त लेके जाने लगे हैं। फाइनली हमारी कुर्बानी डन हो गई। हैप्पी हैप्पी मदरसे हैप्पी एवरीवन। ओके हाँ उस्मान क्या हो गया। ओके कुर्बानी डन हो गई। बाय बाय हाँ एक ब्रेक के बाद। ओके बाय बाय हाँ उस्मान जाने लगे हो कुर्बानी डन हो गई। ओके अल्लाह हाफिज़। अल्लाह पाक साहब की कुर्बानी मंजूर मकबूल फरमाए यार। और अल्लाह पाक खैर खैरियत से अब हमें घर ले जाए। हाँ आप बस खाने की तैयारियाँ करें इंशाल्लाह। ओए उस्मान यार एक पार्टी भी रखनी है हमने ठीक है ना। कहीं पे रखते हैं अभी अरेंज करते हैं फिर यहाँ पे होगी ना फिर बता दूंगा मैं आपको। घर से लेकर जाएंगे मैं बनाऊंगा। हाँ ठीक हो गया। ओके अभी अभी घर आए गोश्त लेके बहुत ज़्यादा गर्मी थी और शुक्र है घर यार खाने को कुछ मिल गया। सुबह नाश्ते थोड़ा सा किया था अभी घर आए तो बकरे का गोश्त बना हुआ है और साथ चावल है। वाह मज़ा आ गया। चलो अभी खाते हैं चने वाले चावल और साथ बकरे का गोश्त। आए हाय हाय क्या हुए तुम भी मास रही हो। कुछ नहीं। Two hours later. बहुत ज़्यादा मैं थक गया था थोड़ी देर रेस्ट की है और अभी मैं बाहर दोस्तों के साथ जाने लगा हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग। यहीं पे मैं अपने व्लॉग को एंड करता हूँ और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।